नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 30 अक्टूबर। कल के सेशन की बात करें तो एग्री डेस्क फ्लैटिश नोट के साथ बंद हुआ, बट जब से लॉन्च हुआ हमने करीबन 20% की तेजी आते हुए देखी है। कल के सेशन में हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में फिर से तेजी बनते हुए देखी, जहाँ सोयाबीन 1% की तेजी, रिफाइंड सोया ऑयल में तेजी, मस्टर्ड में 2.5% की तेजी के साथ प्राइजेस 6050 का लेवल फिर से रीगेन करता हुआ दिखाई दिया। और वैसे ही कुछ तेजी हमने कैस्टर में भी आते हुए दिखा, जहां अपडेट आते हुए दिखाई दी कि चाइना एग्रेसिवली कैस्टर बाय कर रहा है, और उसके बाद हमने देखा प्राइजेस 44-40 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अदर कमोडिटीज में हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, जहाँ गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने 0.30% गिरावट देखी, और गम में भी 0.5% की गिरावट आते हुए देखी। धनिया और जीरे में भी फ्लैटिश टोन था, हल्दी में भी फ्लैटिश टोन था, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में हमने 1% की तेजी फिर से बनते हुए देखी है। ओवरऑल आज के सेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले चने में हमने ऑलरेडी एक बेस बनते हुए देखा है, तो अनलेस एंड अनटिल 5200 लेवल नहीं तोड़ता एक अच्छा उछाल मिल सकता है, जो 5300-5350 तक का लेवल मिल सकता है। सोया कॉम्प्लेक्स अभी भी इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए तेजी का ही रुख है, तो आज सोयाबीन 4300 पे लेके चलिए, 4380 से 4400 का टारगेट देखने मिल जाएगा। रिफाइंड सोया ऑयल भी 965 के ऊपर नवंबर वायदा तेजी में ही रहना चाहिए, जो अपसाइड में करीबन 980 से लेकर 985 तक का भी लेवल दिखा सकता है। मस्टर्ड 6000 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, बट 6100 का लेवल तोड़ने में थोड़ा सा एक कंसर्न कर सकता है। 6100 का लेवल तोड़ने पे 6180 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। टेक्निकली चार्ट वीकली चार्ट पे देखें या डेली चार्ट पे देखें तो हाईली ओवरबॉट है, थोड़ा पुल बैक हमने पिछले हफ्ते देखा, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं मसालों के अंदर आज कल जैसा ही माहौल रहेगा, एक साइडवे रहेगा, बट ओवरऑल बाय और ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटजी। कॉटन सीड ऑयल के आज 1900 रुपए के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, अगर 1910 के ऊपर निकलता है तो 1960 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं सीपीओ आज तेजी का ही रुख है, 830 के ऊपर 836-838 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं कॉटन इंटरनेशनल में जिस ढंग से गिरावट ली है उसका एक नेगेटिव असर देखने मिल सकता है, बट डाउनसाइड लिमिटेड रहेगा, 19400 के करीब देखने मिल सकता है। चार्टिकली अगर जीरे की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, एचईबी को क्लाउड के ऊपर है, 14480 का ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा है। अगर 14500 के ऊपर अगर आज जीरा निकल जाता है तो हम अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे, जो 14900 तक का भी लेवल दिखा देगा। वहीं सोयाबीन में एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, वी आर वेटिंग टू ब्रीच कि अपसाइड का ब्रेकआउट आ जाता है सोयाबीन में, दैट इज 4340 के ऊपर, तो डेफिनेटली 4450 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे।